हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ चैप्टर नंबर 4 ऑर्गेनाइजिंग। हम इसका शॉर्ट में रिवीजन करने वाले हैं, क्विक रिवीजन करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप समझ लीजिए कि ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है। द स्ट्रक्चर फॉर्म्ड इन ऑर्डर टू इनेबल डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी towards the people actively engaged for common goal is organizing। देखिए, जब बहुत सारे लोग मिलजुल कर काम कर रहे हैं एक कॉमन गोल को पाने के लिए, तो जब आप उन लोगों के बीच में पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी बांट देते हैं, उसे हम कहते हैं ऑर्गेनाइजिंग। वेरी सिंपल। नाउ हम देखते हैं ऑर्गेनाइजिंग के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहला है गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी। ऑर्गेनाइजिंग हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें गोल तक पहुंचना है। दूसरा, ये प्लानिंग पे बेस्ड है, इसीलिए ऑर्गेनाइजिंग करने से पहले आपको प्लानिंग करना है। तीसरा, हमें पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी बांटना होता है ऑर्गेनाइजिंग के अंदर लोगों के बीच में। चौथा, ऑर्गेनाइजिंग में ह्यूमंस बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको बांटेंगे, इंसानों को ही बांटेंगे ना। पांचवा है फ्लेक्सिबिलिटी। ये फ्लेक्सिबल है, इसमें आप चाहो तो फ्यूचर में चेंजेस भी कर सकते हो। ऑर्गेनाइजिंग करने की वजह से सबके बीच में एक रिलेशन बन जाता है और सबको पता चल जाता है कि कौन किसके प्रति जिम्मेदार है। सेवन्थ, ऑर्गेनाइजिंग के अंदर आपको मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल करना पड़ सकता है, ये देखने के लिए कि लोग बराबर से काम कर रहे हैं कि नहीं। जो पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको मिली है उसके हिसाब से वो काम कर रहे हैं कि नहीं। एट है कि ये ग्रुप एक्टिविटी है, ठीक है, कोई एक अकेला बंदा इसे नहीं कर सकता है। नाइन्थ है कंट्रोल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर। हम है ना, अगर आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन को एकदम मस्त रखना है तो कुछ रूल्स तो बनाने पड़ेंगे, कंट्रोल तो करना पड़ेगा, तो ऑर्गेनाइजिंग के मदद से आप आसानी से ये सब कर सकते हो, ठीक है। चलो, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज स्टेप्स फॉर द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग जब आप कर रहे हो तो उसके क्या क्या स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला, आपको अपने बिजनेस का गोल ऑब्जेक्टिव सेटअप करना है। सबसे पहले आपको अपने बिजनेस का एक गोल बनाना है। सेकंड, आपको है ना सारे फंक्शन का लिस्ट बना लेना है, सारे कामों का लिस्ट बना लेना है कि आपके बिजनेस यूनिट में कौन कौन से काम होने वाले हैं। बहुत सारे काम हो सकते हैं, उन्हें आप बना लीजिए उनका लिस्ट। तीसरा, डिपार्टमेंटेशन ऑफ फंक्शन, मतलब कि अब जो काम एक जैसे हैं आप उनको एक कॉलम में डाल दीजिए। जैसे कि जो काम परचेस के रिलेटेड है उसे आप परचेस वाले कॉलम में डाल दीजिए, जो काम सेल्स के रिलेटेड है उसे आप सेल्स वाले कॉलम में डाल दीजिए। तो ऐसे कर करके आप सभी को अलग अलग कॉलम में डाल दीजिए। चौथा, अब वो जो कॉलम हमने बनाया है परचेस का कॉलम, सेल्स का कॉलम, तो अब हम है ना क्या करेंगे, एक एक हेड बनाएंगे उसका। जैसे हम परचेस डिपार्टमेंट के लिए एक हेड बनाएंगे, सेल्स डिपार्टमेंट के लिए एक हेड बनाएंगे, ऐसे ऐसे हम हेड बना देंगे। पांचवा, हम उन हेड्स को पावर देंगे और जिम्मेदारियां देंगे। छठा, अब हमने इतना सब कुछ कर लिया तो सबके बीच में एक रिलेशनशिप बन गया, सबको पता चल गया कि कौन किसके प्रति जिम्मेदार है, ठीक है। एंड लास्ट, हमने क्या करना है, हमको है ना एक चार्ट भी बना देना है, माइंड मैप बना देना है कि भाई कौन क्या काम करने वाला है। इससे क्या होगा, वो लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, और किसी के मन में पहले से कंफ्यूजन होगा तो वो दूर हो जाएगा। क्लियर। नाउ ऑर्गेनाइजिंग के स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजिंग मतलब ऑर्गेनाइजेशन कैसे कैसे होते हैं। तो ये फर्स्ट है लीनियर ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, चौथा है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, पांचवा है मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। इतने टाइप्स के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, हम इन पांचों को समझ लेते हैं। सबसे पहला है लीनियर ऑर्गेनाइजेशन। लीनियर ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ये सबसे पहले तो ये बहुत पुराना ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत पुराने टाइम से चलता आ रहा है। इसे हमने बहुत सालों तक आर्मी में यूज़ किया था, इसीलिए हम आर्मी ऑर्गेनाइजेशन भी इसको कहते हैं। नाउ तीसरी चीज़, यहाँ पर हम जब पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी बांटते हैं ना, तो एकदम स्ट्रेट लाइन में बांटते हैं।
हम अपने पूरे ऑर्गेनाइजेशन को डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट में बांट देते हैं। हमारा पूरा जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको हम क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट में बांट देते हैं। देखो यहाँ पर मैंने बना दिया है, ज़्यादा स्पेस नहीं था इसलिए मैंने ऐसे बनाया है। सबसे पहले तो सबसे ज़्यादा पावर होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास, फिर वो थोड़ा सा पावर देते हैं जनरल मैनेजर को। जनरल मैनेजर के नीचे कौन काम करता है, बहुत सारे डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, वो लोग। एंड हर डिपार्टमेंट का कोई ना कोई ऑफिसर होता है, इन ऑफिसर्स के नीचे ये लोग काम करते हैं। तो आप देखो यहाँ पर पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी एकदम स्ट्रेट लाइन में बांटी गई है। ये भी स्ट्रेट ही था लेकिन यहाँ स्पेस नहीं था इसलिए मैंने इसे साइड में लिखा है। तो पावर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यहाँ पर एकदम स्ट्रेट लाइन में बांटी गई हैं, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, लीनियर ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। क्लियर? चलो अब देखो ये हमारा दूसरा ऑर्गेनाइजेशन है, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। लीनियर ऑर्गेनाइजेशन में क्या था, हम डिपार्टमेंट बना देते थे, लेकिन यहाँ पर डिपार्टमेंट नहीं बनाया जाता है, यहाँ पर वर्क इज़ गिवन मोर इम्पोर्टेंस, यहाँ पर है ना देन आएगा, हाँ वर्क इज़ गिवन मोर इम्पोर्टेंस दैन डिपार्टमेंट, यहाँ पर काम को ज़्यादा महत्व दिया जाता है डिपार्टमेंट को नहीं। एक्सपर्ट्स आर गिवन स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर वर्क, यहाँ पर अगर कोई काम हमको करना है तो उसके लिए हम एक्सपर्ट्स बुलाते हैं। अब आप बोलोगे रियली हम हर काम करने के लिए एक्सपर्ट बुलाते हैं, तो ऐसा नहीं है। कहने का मतलब यह है कि हर काम को करने के लिए जो लोग ऑलरेडी हैं वो सब एक्सपर्ट्स ही होते हैं, ठीक है, सब अपने हेड के एक्सपर्ट्स ही हैं, ऑलरेडी वो एक्सपर्ट हैं, तो हमें एक्सपर्ट्स बुलाने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी वो लोग एक्सपर्ट ही हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो सबसे ज़्यादा पावर होता है सीईओ के हाथ में, उनके नीचे डिपार्टमेंट काम करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, फैक्ट्री डिपार्टमेंट, और फिर उनके नीचे काम करते हैं ऑफिसर्स। ऑफिसर्स के नीचे कौन काम करता है, एम्प्लॉइज़ और वर्कर्स। तो ये सारे ऑफिसर्स एम्प्लॉइज़ को और वर्कर्स को काम देते हैं, और ये देखा जाता है कि कोई भी काम दो बार ना हो जाए, ये लोग मेक श्योर करते हैं कि हर काम बराबर हो, कोई भी काम दो बार ना किया जाए और कोई भी काम इनकम्प्लीट ना रहे। तो ये लोग ये चीज़ें देखते हैं, कौन, ऑफिसर्स लोग। तो यहाँ पर याद रखना काम को ज़्यादा महत्व दिया जाता है डिपार्टमेंट को नहीं, एंड यहाँ पर सभी काम को करने के लिए एक्सपर्ट्स ही बैठे होते हैं। थर्ड है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, देखिए इन ऑर्डर टू अचीव प्री डिफाइंड गोल्स द फॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशनशिप एमोंग पर्सन एंड वर्क इज इस्टेब्लिश्ड नोन एज फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर जब हमको गोल को पाना है, जब हमें गोल को पाना है तो हम क्या करते हैं एज अ ओनर, हम क्या करते हैं पर्सन और उसके काम के बीच में एक रिलेशनशिप बना देते हैं जानबूझ के। तो वैसे ऑर्गेनाइजेशन को हम कहते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पर गोल को पाने के लिए हम पर्सन, एक इंसान और उसके काम के बीच में एक रिश्ता बना देते हैं जानबूझ के, तो उसे हम कहते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। और ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, ऐसा हम इसीलिए कर रहे हैं ताकि हमें अपने बिजनेस का गोल मिल सके। क्लियर? तो ये है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। नाउ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, सो हियर इंटरनल रिलेशनशिप्स आर फॉर्म्ड ऑन इट्स ओन। यहाँ पर हमको रिश्ता बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, रिश्ता खुद बन जाता है। जहाँ पर बहुत सारे लोग काम करते हैं वहाँ पर खुद उनके बीच में कोई ना कोई रिलेशन बन जाता है, ठीक है। अब किसी के बीच में जब कोई रिलेशन बन जाता है, समझ लो ये तीनों यहाँ पे काम कर रहे थे और तीनों फ्रेंड्स बन गए, इनके बीच में रिलेशनशिप बन गया, तो ये फ्रेंड्स बन गए ना, तो ये अब और अच्छे से काम करेंगे, लाइक इनको बिजनेस यूनिट में आने में मज़ा आएगा, अब इनको काम करने में अच्छा लगेगा क्योंकि यहाँ पर उनके साथ उनके फ्रेंड्स हैं। सो यहाँ पर क्या होता है, खुद ही इंटरनल रिलेशनशिप बन जाता है, हमको बनाना नहीं पड़ते, और इसकी वजह से क्या होता है हम अपने गोल को आसानी से अचीव कर पाते हैं। थर्ड है नो ऑब्जेक्टिव। नो ऑब्जेक्टिव से मेरा मतलब यह है कि
कि हमारा यहाँ पर कोई ऑब्जेक्टिव नहीं था, हम नहीं चाहते थे कि रिलेशन बने के ना बने, वो खुद ही बन गया, ठीक है, विदाउट एनी ऑब्जेक्टिव। हमारा कोई ऑब्जेक्टिव नहीं था कि उनका रिलेशन बने, वो खुद बन गया अपने आप। ओके, अब देखिए, लास्ट ऑर्गेनाइजेशन है मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन को हम मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं। ये है ना, दो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स का मिश्रण है, मिक्स है। सबसे पहला देखो, पहला स्ट्रक्चर कौन सा है? पहला स्ट्रक्चर में है ना, डिसीजन लिया जाता है। पहला जो इसका स्ट्रक्चर होता है, वहाँ पर क्या करा जाता है? डिसीजन लिया जाता है। और जो दूसरा स्ट्रक्चर है, वहाँ पे क्या किया जाता है? टेक्निकल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला जाता है। तो जब ये दोनों मिल जाते हैं तो क्या बनता है? मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पे क्या होता है देखो, प्रोजेक्ट मैनेजर इज़ गिवन रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कम्प्लीट रिस्पेक्टिव वर्क इन रिस्पेक्टिव टाइम। यहाँ पर अगर हमें कोई काम करवाना है तो हम प्रोजेक्ट मैनेजर को बुलाते हैं, उन्हें जिम्मेदारी देते हैं कि आप हमारा काम कर दीजिए। एक बार काम हो जाए तो क्या होता है, हम वो काम उस एरिया को भेज देते हैं जहाँ से वो आया। जैसे कि परचेस के रिलेटेड कोई काम था तो प्रोजेक्ट मैनेजर ने वो काम करके कहाँ भेज दिया? परचेस डिपार्टमेंट में भेज दिया, ठीक है। तो ये थे पांच ऑर्गेनाइजेशन एंड बहुत इम्पोर्टेंट है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखिए, कुछ यहाँ पे टर्म्स है जो आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहला है डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है? द डेलीगेशन ऑफ पावर फ्रॉम अपर टू लोअर लेवल इन ऑर्डरली मैनर। तो देखो, जब आपने अपने बिजनेस यूनिट में सभी को अपर लेवल, मिडल लेवल, लोअर लेवल, सभी को पावर्स दे के रखे हैं, तो हम उसे क्या कहते हैं? डिसेंट्रलाइजेशन। जब आपने सभी को पावर दे दिया है कि तुम सब डिसीजन ले सकते हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। नाउ, डिसेंट्रलाइजेशन करने के फ़ायदे क्या हैं? तो देखिए, इससे है ना, हम बहुत जल्दी जल्दी डिसीजन ले पाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं तो हम आसानी से डिसीजन ले लेते हैं। चौथा, ये वर्कलोड को कम करता है। एंड देन है इंक्रीज्ड मोटिवेशन। इससे मोटिवेशन बढ़ता है। मोटिवेशन कैसे बढ़ता है और किसका बढ़ता है? तो जो लोअर लेवल वाले एम्प्लॉयज़ हैं, वो लोग को रियलाइज़ होता है कि हमारे पास भी पावर आ गया है डिसीज़न लेने का, इसका मतलब भाई हमारी भी यहाँ कुछ इम्पोर्टेंस है। तो वो लोग एकदम खुश हो जाते हैं, एकदम मोटिवेटेड रहते हैं काम करने के लिए। चौथा, इंक्रीज इन मैनेजरियल एबिलिटीज़। अब ये जो लोअर लेवल वाले हैं, ये लोग डिसीजन लेते हैं, अपर लेवल वालों के साथ काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं इनके अंदर एक मैनेजर वाली जो एबिलिटी है वो डेवलप होती है। तो चांसेस है कि फ्यूचर में इनमें से कोई एक बंदा मैनेजर बन सकता है, ठीक है। देन इफ़ेक्टिव कंट्रोल। जब हम डिसेंट्रलाइजेशन करते हैं तो हम सभी चीज़ों को आसानी से कंट्रोल कर पाते हैं। एंड ऑफ कोर्स, सभी लोग मिल के काम कर रहे हैं तो हारमनी बन जाता है, मतलब एकता बन जाती है। क्लियर? एंड देन देखिए, यहाँ पर एक और टर्म आता है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी क्या है? यहाँ बड़ा सा लिखा हुआ है लेकिन टेंशन मतलब बहुत इजी है, पढ़ो। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इज सच ए प्रोसेस इन विच द मैनेजर गिव्स हिज अथॉरिटी टू हिज सबॉर्डिनेट्स अलॉन्ग विद ड्यूटीज एंड द सबॉर्डिनेट्स विद द हेल्प ऑफ अदर्स फॉर द पर्पस ऑफ वर्क परफॉर्मेंस एक्सेप्ट सच अथॉरिटी कॉन्शियसली। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब क्या हुआ? तो देखिए, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एक प्रोसेस है। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एक प्रोसेस है जहाँ पर एक मैनेजर, समझ लीजिए ये मैनेजर है, ये क्या करेगा? ये है ना, एक सबॉर्डिनेट को बुलाएगा, मतलब इससे जो लोअर लेवल का कोई बंदा होगा उसको बुलाएगा और उसको कोई काम दे देगा। ये मैनेजर क्या करेगा? इसको कोई काम दे देगा। अब उस काम को करने के लिए वो उसको थोड़ा पावर भी दे देगा कि तुम चाहो तो ये काम खुद करो, नहीं तो और भी सारे एम्प्लॉयज़ हैं उनकी मदद से ये काम कर देना। ऐसा वो उनको पावर भी दे देता है।
ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो देता है काम करने के साथ में पावर भी दे देता है, और फिर ये जो सबॉर्डिनेट है वो उस काम को एक्सेप्ट कर लेता है ना। वेरी सिंपल था नहीं, सिंपल। तो उसे हम कहते हैं क्या, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। अब देखिए डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के अंदर तीन एलिमेंट्स आते हैं, इसको समझ लीजिए। पहला है रिस्पॉन्सिबिलिटी, दूसरा है अथॉरिटी, तीसरा है अकाउंटेबिलिटी। तो देखिए जब ये एक बंदे ने दूसरे बंदे को काम दिया, पहले हम रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ रहे हैं, तो ये एक बंदे ने, मैनेजर ने सबॉर्डिनेट को काम दिया, तो एक्चुअली में क्या दिया, जिम्मेदारी दी ना कि भाई तुम ये काम कर देना, तो ये एक जिम्मेदारी हो गई। दूसरा अथॉरिटी, देखो काम बराबर तरीके से हो सके इसीलिए मैनेजर क्या करता है, काम तो देता है लेकिन साथ में कुछ पावर्स भी देता है कि तुम खुद भी काम करो, तुम अपने से और जो लोअर लेवल वाले हैं उनको भी इन्वॉल्व कर लो, या तुम अपने साथ वाले लोगों को इन्वॉल्व कर लो, एंड कैसे भी इस काम को करके दो, ठीक है। थर्ड है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी क्या है, देखिए अब समझ लीजिए, इस मैनेजर ने इसको काम दिया और इसने क्या किया, बहुत सारे लोगों से काम करवा लिया, ठीक है। तो अब जब टाइम हो जाएगा 5-6 दिन, तो ये बंदा वापस आएगा मैनेजर और सबॉर्डिनेट को बोलेगा कि लाओ वो काम दो, मैंने जो तुमको करने बोला था जल्दी से वो काम दो, आई होप तुमने अब तक कर लिया होगा। तो ये बंदा क्या करेगा, इन लोगों से लेकर आएगा ना वो काम जो वो लोग को इसने करने दिया था, तो ये सबॉर्डिनेट उन लोगों से काम लेकर आएगा, किसको देने के लिए, इन भाई साहब को देने के लिए, मैनेजर को देने के लिए। अब देखो समझो मेरी बात को, यहाँ तीन लोग थे तो समझो, अब इन तीनों ने काम कैसा किया है इससे इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैनेजर को कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर काम उन लोगों ने गड़बड़ कर दी है तो भाई ये किसको डांटेगा, ये तो इसको डांटेगा, क्योंकि मैनेजर ने तो इससे काम दिया था तो ये तो इसको डांटेगा, और ये लोगों ने अगर काम अच्छे से भी किया है तो ये किसको शाबाशी देगा, इसको शाबाशी देगा, क्योंकि इसने जो काम दिया था वो इसको दिया था, तो इसकी जिम्मेदारी बनती है कि ये सारा इसको सब कुछ बताए कि काम कैसे हुआ है, आंसर दे सब कुछ, ठीक है। तो यहाँ पर मेन जिम्मेदारी किसकी थी, इस बंदे की थी, इसे ही हम कहते हैं अकाउंटेबिलिटी, इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं अकाउंटेबिलिटी। हमने जिसको काम दिया था वो उस काम के प्रति जिम्मेदार है, उसको हमें आंसर देना पड़ेगा, ठीक है, अगर कोई गड़बड़ होती है तो, या फिर अगर कुछ सही होता है तो भी। सो आई होप आपको ये चैप्टर क्लियर होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मैं मिलूँगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक ले बाय, टाटा एंड आउट जो।